नई उपलब्धियों के बारे में सुन रहा है। यह भी आरोप साथियों, अभी कल ही मैं सेना द्वारा आयोजित कैसे लंबे समय तक धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू काश्मीर में आज काफी जिसका लोकार्पण हुआ है। एक बार आना होता तो लोग पड़े सबसे पहले तो मैं ये आप सब लोगों को और यहाँ पर लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि आज का दिन बॉर्डर रोड्स के लिए बहुत बड़ा दिन है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा 75 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ, जो कि हमारे 75th इंडिपेंडेंस डे से मेल खाता है और ये बहुत बड़ी बात है। इसी में यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में 7 प्रोजेक्ट इसमें शामिल हैं और 3 प्रोजेक्ट जो हैं वो प्रोजेक्ट बीकन के अंडर इनॉग्रेट हुए हैं, जिसमें उरी के अंदर 2 प्रोजेक्ट हैं और एक रोड जो हमारा SZM रोड है जिस पर हम इस वक्त खड़े हैं, जो ज़मींदार गली से जाता है, वो इसमें इनॉग्रेट हुआ है। तो हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि बरसों की कड़ी मेहनत, बॉर्डर रोड्स के जो कर्मयोगी हैं, जितने हमारे CPLs हैं, जितने हमारे अधिकारीगण हैं, यहाँ पर सुपरवाइज़र्स हैं, जूनियर इंजीनियर्स, लेबर्स, सब लोगों ने बहुत मेहनत की जिसके कारण इस रोड का अपग्रेडेशन जो है अब कंप्लीट हुआ है। प्रोजेक्ट बीकन खासकर कुपवाड़ा के एरिया में तो काफ़ी एक्टिव है, हमारी 109 RCC यहाँ पर है और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो नेशनल हाईवे 701 जो कि बारामूला, कुपवाड़ा, चौकीबल, तंगधार तक के लिए अप्रूव हो रखा है, उसका DPR तैयार हो रहा है। ये मेन आर्टरी यहाँ पर मेन रोड रहेगा जिसके चलते इस एरिया में डेवलपमेंट होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी इलाके, मैदानी इलाका हो या पहाड़ी इलाका, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दरवाज़ा है डेवलपमेंट का, वो एक तरीके से दरवाज़ा खोलता है उस इलाके के डेवलपमेंट का। और इस जिस तरीके से हम देख रहे हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में कामयाबी मिली है और J&K में जिस तरीके से फंडिंग हो रही है, जिस तरीके से MoRTH द्वारा और MOD द्वारा फंडिंग हुई है रोड्स के ऊपर, DPRs बन रहे हैं, श्रीनगर बारामूला उरी रोड की 4-लेनिंग सैंक्शन हो गई है, तो ये सारे जो काम हैं इससे इस इलाके का डेवलपमेंट होगा आने वाले वक्त में। मुझे बहुत होप है कि इस एरिया में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा जो पोटेंशियल है, जो अनटैप्ड है, स्पेशली जैसे बंगस वैली हो गई इस एरिया में, लुलाब वैली है, उधर लोकल टूरिस्ट जाता है, बट हम आने वाले वक्त में देखेंगे कि टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ेगा यहाँ पर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। आई एम वेरी होपफुल।